धन गुरु तेग बहादुर साहिब, 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 धन गुरु तेग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी का बचन है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जो बजुर्गों दियां पावन ते शौर्यपूर्ण गाथावां ने, वो अगों पीढ़ियां नूं चानन मुनारा होके सवारदियां ने, शिंगारदियां ने और उन्हां नूं काबिले कबूल बनाउंदियां। मैं धन्नवादी हाँ सरदार हरप्रीत सिंह जी संधू जी का, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत भावें होर भी ये गुरसिखी बारे गुरबाणी बारे काम करते रहते हैं, पर एक बहुत खूबसूरत श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश दिवस में समर्पित होंदे हैं कॉफी बुक लिखी है, जिस विच जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी अते होर प्रसिद्ध शख्सियतां दे संदेश भी हैं और सतगुरु जी का संखेप विच इतिहास भी है। पर ऐसा आईना है जिमें अख दा रेटीना होंदा है, जिस चों सारा आकाश दिखाई पैंदा है, उस रूप विच कॉफी बुक है, जिस विचों सारे इतिहास की सानू झलक मिलती है। गुरु साहिब इन्हां ते होर ज़्यादा मेहर करन, सिखी सुभा, सिखी बरकत और सिखी स्वरूप की दात बख्श के निवाजन। वाहिगुरु जी का खालसा। ਇੱਥੋਂ ਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ। और ये जथेदार साहब ठल्लेपुरा साहब जी, इतने गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित हैं, भावें कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, उन्होंने ना सोचो, सिर्फ तो सिर्फ अखा मन करके बैठो, तुसी अध्यात्मक तरंगा नाल भर जाओगे। महापुरुष दियाँ जिहड़ियां अध्यात्मक तरंगा ने, वो जितों लंघदा उत्थे भी होंदियां, दो जगह सब तो ज़्यादा होंदियां ने, एक वो जगह जिथे जन्म होया हुंदा है, जिथे शरीर धारण किया है, तो दूजा वो जगह जिथे निवारण किया है। गुरु साहब का वास बोले सो निहाल श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर